हेलो आदि, कैसा फील हो रहा है? अच्छा। आज पहली दफा घर से बाहर साइकिल चलाई है रोड पे। जी। बताओ जरा साइकिल के बारे में, कैसे कहाँ से आए हो? साइकिल को लेकर मज़ा भी आया है। आगे आ जाओ। और यहाँ पर मज़ा भी आया है और साइकिल चलाते वक्त भी मज़ा आया था। नहीं, मरी रोड से खुद चला के आए हो? मरी रोड से चलाते हैं। अब ये कहाँ पे हो? ये सेफ जगह है, यहाँ पे चक्कर लगा लो आप। हाँ, हम क्योंकि फ्लैट में रहते हैं और वहाँ पर हादी साइकिल चलाता रहता है, बाहर गली में नहीं आने देते इसको, तो आज छुट्टी का दिन भी था तो हम इसको लेकर बाहर आए हैं। इधर पार्क के बाहर पार्किंग में जगह है काफ़ी खुली और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोई आमदोरफ्त नहीं है किसी की, तो इसलिए ये सुकून से साइकिल चला रहा है, वरना थोड़ा ख़तरा रहता है ना बच्चे का। आदि ना, ऐसे नहीं भाई, वन व्हीलिंग करने की कोशिश कर रहा है ये। आवाज कैसी आती है भाई साइकिल आपकी, हैं बताओ जरा, आवाज कैसी देती है? तेल डाल। नहीं भैया, ऐसे ना करो। हाँ भैया, ऐसे ना करो। आओ बस करो, आप बस करो, थोड़ा सस्ता लो बाबा। हाँ जी, मज़ा आया आप? हाँ, बहुत मज़ा आया। अच्छा, खुली जगह है ना ये, फ्लैट में तो मज़ा नहीं आता, वहाँ पे घर में चलाते रहते हो बाइक साइकिल। वन व्हीलिंग का शौक है आपको, मुझे लग रहा है आप अगला पहिया उठाने की कोशिश कर रहे हो। हाँ बताओ जरा, वन व्हीलिंग का शौक है? वन व्हीलिंग का शौक है, मार खाओगे फिर मुझसे। हाँ बस रुको, इधर ही रुको, उधर रुको, आओ उधर आराम कर लो।
बच्चों को बहुत शौक होता है जी साइकिल चलाने का, तो आराम शराम भूल गया है। मुझे याद है बचपन में हम किराए पे ले जाते थे साइकिल और कैंची वाले साइकिल चलाते थे। तो इसको पिछले महीने साइकिल लेकर दी है, लेकिन चलाने का मौका कम ही मिलता है इसको।